Hello students, Bio Savers are back again with yet another video. As you can see here, today we are gonna discuss about the revised class 10th syllabus, which is for the year 21-22. So with the detailed marks and deleted portion. But before starting today's video, I would like to thank all of you for all the support you have shown me towards my last video. Stay tuned and keep supporting like this, and we'll be updating more such interesting lessons in the NEET series. So let's get started. So basically we will be having two board exams this year. First will be term 1, which will be around December, and which will be fully MCQ based, and which will be of 40 marks. While that, there will be term 2, which will be having theory based questions and which will also be of 40 marks. So that way 80 marks board exams will be taken. So अगर term 1 में देखें तो कौन कौन से chapters आने वाले हैं. Chemistry portion में से आने वाला है chapter 1, 2 and 3, which will be having 16 marks. बायोलॉजी में से आने वाला है चैप्टर 6, एंड एनवायरमेंटल साइंस में से आने वाला है चैप्टर 10 and 11. सो दैट विल बी कंस्टिट्यूटिंग द 14 मार्क्स एंड 10 मार्क्स रिस्पेक्टिवली, एंड दैट विल बी ऑफ टोटल 40 मार्क्स. देयर विल बी फुल्ली एमसीक्यू एंड नो थियरी बेस्ड क्वेश्चंस. अब अगर टर्म 2 में देखें तो कौन कौन से चैप्टर्स हैं. चैप्टर 4 and 5, विच विल बी हैविंग 10 मार्क्स. चैप्टर 8 and 9, विच विल बी हैविंग 13 मार्क्स. चैप्टर 12 and 13, विच विल बी हैविंग 12 मार्क्स. एंड चैप्टर 15, विच विल बी हैविंग 5 मार्क्स. सो टोटल दैट वे 40 मार्क्स, एंड दिस एग्जाम विल बी टोटली थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस. तो अब हम देखते हैं कि कौन से चैप्टर में से कितना पोर्शन डिलीट किया है. चैप्टर 1 में देखें तो देयर इज नो रिडक्शन इन द चैप्टर 1 and 2. We have to study whole chapter along with all the exercise questions. डायरेक्टली चैप्टर 3 पे आते हैं तो उसमें देखा कि डिलीटेड टॉपिक्स है occurrence of metals, corrosion and exercise question number 8. So these three portions we don't have to refer. Other than that, we have to refer all the topics and all the exercise questions. चैप्टर 4 and 5 में देखें तो चैप्टर 4 में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो डिलीट हो चुके हैं. लेट्स सी दैट. फर्स्ट टॉपिक इज नोमेनक्लेचर, सेकेंड इज केमिकल प्रॉपर्टीज, थर्ड इज इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड, फोर्थ इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. एंड एक्सरसाइज में से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो डिलीटेड टॉपिक्स में हैं, दैट इज 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13 and 15. दिस ऑल topics and exercise questions we don't have to refer. Other than that, we have to refer all the topics. Periodic classification of elements में से देखें तो there is no reduction in this chapter. We have to refer whole chapter 6. अब chapter 6 से आते हैं हम biology वाले पोर्शन में. तो चैप्टर 6 देखें लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, तो देयर इज नो रिडक्शन इन द चैप्टर. चैप्टर 7 दैट इज फुल्ली डिलीटेड, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया है, हमें बिल्कुल नहीं करना है. और डायरेक्टली चैप्टर 8 पे आ जाए तो देयर इज नो रिडक्शन, पूरा एक चैप्टर डिलीट किया है और बाकी के जो दोनों चैप्टर्स है वो पूरे करने हैं. देयर इज नो डिलीटेशन इन एनी ऑफ द टॉपिक्स. फिर आते हैं चैप्टर 9 पे, दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. सो इवोल्यूशन वाला पार्ट जो है वो डिलीट कर दिया है. देन आते हैं फिजिक्स वाले पार्ट पे, दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. सो उसमें मिरर एंड लेंस फार्मूला की जो डेरिवेशन है वो डिलीट कर दी गई है. एंड देन आते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पे, उसमें ह्यूमन आई वाला टॉपिक ही डिलीट कर दिया है. एंड एक्सरसाइज में से क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये सारे क्वेश्चंस हमें रिफर नहीं करने हैं. देन आते हैं चैप्टर 12 पे, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. उसमें से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस वाला टॉपिक ही डिलीट कर दिया है. वो काफ़ी इजी टॉपिक था बट स्टिल इन लोगों ने डिलीट कर दिया है. देन है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें से इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड डोमेस्टिक सर्किट वाला टॉपिक डिलीट कर दिया है. एंड एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 4, 5, 16, 17 एंड 18 हमें रिफर नहीं करने हैं. देन आते हैं चैप्टर 14. चैप्टर 14 भी पूरा का पूरा डिलीट कर दिया है, हमें बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है. सोर्सेस ऑफ एनर्जी वो पूरा चैप्टर डिलीट हो चुका है. सो चैप्टर 7 एंड चैप्टर 14, दे आर फुल्ली बीन डिलीटेड. लास्ट के दो चैप्टर्स, दैट इज आवर एनवायरमेंट 15th चैप्टर, उसमें से डिलीटेड टॉपिक्स है फूड चेन्स एंड फूड वेब. एंड चैप्टर 16 में कोई भी रिडक्शन नहीं किया है, हमें पूरा चैप्टर refer करना है. So I hope it is clear. I am also providing the link of this. If you want, you can download it and comment below and let us know which chapter explanation you want us to start with. Thank you.